नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, वक्त हो चुका है राजस्थान की आज की सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबरों की। सबसे पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि सचिन पायलट अपने गढ़ में गरजे। टोंक में पायलट बोले, केंद्र की किसानों को मजदूर बनाने की नीयत, इसीलिए 9 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को जयपुर से सड़क मार्ग से टोंक पहुंचे। रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, साथ ही आई लव यू के भी नारे लगाए। अगली सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि पक्षियों में महामारी मची हुई है। रविवार को प्रदेश में 326 कौवे मृत मिले हैं, यानी कल 326 कौवे मृत पाए गए हैं। सिरोही प्रतापगढ़ में भी बर्ड फ्लू है। 13 जिले सपेट में चल रहे हैं, 10 की रिपोर्ट बाकी है। वो कौन से 13 जिले हैं जहां ये महामारी फैली हुई है? सबसे पहले जिले की बात करें तो आपको बता दें कि जयपुर, दौसा, चौहानपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, पाली, बारां, कोटा, बांसवाड़ा में भी बर्ड फ्लू के सैंपल पॉजिटिव मिल चुके हैं। अगली सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि नागौर में पुलिस पर फायरिंग हुई है। बाइक को टक्कर मार भागे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पास में मिले 8.50 लाख रुपए। जिले के कुसेरा थाना में रैण के पास एक बाइक को टक्कर मार भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने अड़वड़ की सरहद के पास पकड़ लिया। बदमाशों ने इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग कर डाली। अगली सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है। 11 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हो चुका है। नीट की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 साल बाद शुरू हो चुकी है। राजस्थान के 11 लाख से अधिक बीएड और बीएसटीसी डिग्री धारियों युवाओं का 4 साल का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अगली सबसे बड़ी अहम खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर है। पिछले 6 सालों में नए स्कूल खोलने में राजस्थान देश में 3रे स्थान पर चल रहा है। 2017 से 2020 तक खुले 2016 नए स्कूल, यानी कुल राजस्थान में 2016 नए स्कूल खुले हैं। दोस्तों अगली सबसे बड़ी अहम खबर की बात करें दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह डोटासरा बोले, चुनी सरकार को गिराने का फल 7 करोड़ जनता की लगी बधुआ। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा में गुटबाजी की खबरों पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जब भाजपा गिराना चाह रही थी तो इसके लिए लगातार षड्यंत्र भी कर रही थी और उसी कारण को भाजपा को ये भी फल मिला है। अगली सबसे बड़ी अहम खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी बोले, गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। अगली सबसे बड़ी अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है जो स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार, केंद्र सरकार बोली, हम इस पर एक बार फिर से विचार करेंगे। क्या 18 जनवरी को स्कूल खोलने चाहिए? कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने को लेकर सरकार लगातार तारीखें बदलती आ रही है। अब की बार क्या होने वाला है जानेंगे। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। दिन भर की खबरों के साथ मिलते हैं